भाई साढ़े बारह से दो तो, तो स्केड है डैशबोर्ड में तुम क्या बात कर रहे है ग्रुप कौन सा ग्रुप टेन थर्टी से था और वो तो स्केड्यूल्ड ही है क्लास अभी तो मेन क्लास तो होगा ही ठीक है सबको मेरा वॉइस आ रहा है ओके चलो तो देखो सीएम वन का जो पेपर है ना इस पेपर का नाम है एक्चुअरियल मैथमेटिक्स ठीक है इस पेपर में बेसिकली दो पार्ट है जो हम लोग को कवर करना है एक है हमारा बैंकिंग का पार्ट ठीक है और एक है हमारा कंटिजेंसी का पार्ट सो बेसिकली अभी अपने को क्या सीखना है चीज समझो एक्चुअल मैथ जो है वो दो पेपर से बना हुआ है एक सी टी वन जो है सर्टेन कैश फ्लो फॉर एग्जाम्पल आप बैंक में गए आपने बोला कि मेरे को सौ रुपए जमा करना है बैंक बोलेगा सर मैं आपको पांच परसेंट रेट दूंगा राइट तो आज तुम बैंक को सौ देगा तो तुमको एक साल बाद एक सौ पांच मिलेगा ये सर नो एक साल बाद 105 मिलेगा तो यह चीज सर्टेन है कि अनसर्टेन है सर्टेन है अब तुम एक और टाइप का प्रोडक्ट सोचो तुम गाड़ी का इंश्योरेंस कराया पंद्रह हजार का प्रीमियम दे दिया तुम पंद्रह हजार का जो प्रीमियम दे दिया अब अगर एक साल के अंदर तुम्हारा गाड़ी का एक्सीडेंट होगा तो कंपनी पैसा देगा नहीं तो पैसा नहीं देगा तो पैसा देना इज सर्टेन तुम स्टार्टिंग में पैसा दे दिया पैसा मिलने का क्या कॉन्सेप्ट है कि गाड़ी ठुकेगी तो पैसा मिलेगा नहीं तो नहीं मिलेगा तो इसको बोलते हैं कंटिजेंसी कंटिंजेंट इवेंट तो बेसिकली जो इंश्योरेंस वाला जो पार्ट है जो अपने करेंगे पार्ट में वो बेसिकली प्रोबेबिलिटी से एसोसिएट करेगा तो इसलिए हम लोग को बेसिक थोड़ा प्रोबेबिलिटी का भी नॉलेज चाहिए होगा ठीक है तो आज जो हम लोग चालू करेंगे वो बैंकिंग वाले पार्ट से चालू करेंगे मोटा मोटी जो एवरेज में जो रेशियो बनता है वो 45 55 का बनता है पेपर ए भी 100 नंबर का होगा पेपर बी भी 100 नंबर का होगा अगर आप आई आई से दे रहे हो तो आपका एमसीक्यू होगा पेपर ए IFOI से कर रहे तो MS Word हो तो एमएस वर्ड पे होगा एंड पेपर भी तो एक्सेल पे होता है ठीक है तो जो भी कुछ हम लोग सीखेंगे वो सारा चीज हम लोग को एक्सेल में भी इंप्लीमेंट करना है द रेशियो वेटेज वेटेज इज जो है है वो है पेपर ए का एंड जो वेटेज है है वो है पेपर बी का ठीक है बेसिकली कैसे कैलकुलेट होता है पेपर ए में आया अस्सी पेपर बी में आया सेवेंटी ठीक है ये स्कोर समझो तो इसका कैलकुलेट होगा सत्तर और इसका कैलकुलेट होगा तीस एट सेवन जहां फिफ्टी सिक्स और यहां पर ट्वेंटी वन ठीक है तो ये आपका टोनो का मिला के जो आएगा दिस विल बी योर वेटेड एवरेज स्कोर और अगर कितना आ रहा है सेवन सेवन आ रहा है मान लो पासिंग है तो तुम पास है इस तरीके से कैलकुलेशन होता है और एक जो चीज है वो ये है कि सीएम वन को करने के लिए टोटल में तीन सौ घंटे का टाइम पीरियड चाहिए ठीक है सीएम वन इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर फॉर एक्चुअल जो आपका पूरा फाउंडेशन बनाता है इस पेपर को जितना पढ़ो उतना कम है आपका सीएम वन अगर अच्छा हो जाएगा एक्सेल पोर्शन अगर अच्छा हो जाएगा तो आपको सीएम टू में ज्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ेगी आपको सीपी टू में बहुत ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ेगा सीएम वन इज द ओनली पेपर जहां पर आप आ, एक तरीके से देखा जाए तो लाइफ इंश्योरेंस के बारे में बहुत अच्छे तरीके से सीखते हो कि एक इंश्योरेंस कंपनी किस तरीके से प्रीमियम कोट करता है कितना कंपनी रिजर्व बनाता है कंपनी कैसे प्रोबेबिलिटीज एस्टिमेट करता है जीने और मरने का कंपनी किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को प्रॉफिट टेस्ट करता है आज हमने आपसे सी वन का एक फीस लिया है थर्टी वन थाउजेंड एट हंड्रेड राइट तो बेसिकली हमको ये देखना पड़ता है प्रॉफिटेबिलिटी की कैसे क्या आ रहा है फॉर एग्जाम्पल एक बेसिक अगर मैं आपको कैलकुलेशन दू तो बेसिकली थर्टी वन एट हंड्रेड आपको लगता है फीस है बट इसमें अट्ठारह परसेंट जीएसटी का है तो पहले वो माइनस हो जाता है ठीक है, है उसके बाद में आप देखोगे हमारे ऑपरेशन के कॉस्ट है ठीक है उसके बाद में हमारा सेंटर का कॉस्ट है उसके बाद में हमारा फैकल्टी का कॉस्ट है ठीक है तो इन सबको माइनस करने के बाद सिर्फ आठ जो बचता है फाइनल में वो मेरा होता है ठीक है तो बेसिकली कंपनी किस तरीके से अपने प्रोडक्ट्स को प्रॉफिट टेस्ट करता है तो और भी आप देखोगे एक इंसान खाली मरता नहीं है बीमार हो सकता है परमानेंटली डिसेबल हो सकता है जैसे मान लो किसी का हाथ कट गया किसी का पैर कट गया तो वो एक टाइप का ऐसा डिसेबिलिटी है जो वापस नहीं आ सकता है दैट इज अ परमानेंट डिसेबिलिटी उसके बाद में जब हम लोग पॉलिसीज लेते हैं आप देखोगे कभी घर में बात होगा मेडिकल के केस में होता है ग्रुप पॉलिसी होते हैं मम्मी पापा बेटा बेटी समझा तो बेसिकली उस टाइप के पॉलिसीज को कैसे को, कैसे प्रीमियम इवेल्यूएशन होता है तो जो पूरा इंश्योरेंस इंडस्ट्री का पूरा है, वो हम लोग सीखेंगे अब जैसे मान लो स्मोकर द डिफरेंस बिटवीन अ स्मोकर एंड अ नॉन स्मोकर स्मोकर जल्दी मरेगा नॉन स्मोकर थोड़ा लेट से मरेगा ऐसा लगता है तो बेसिकली इंश्योरेंस कंपनी आइडेंटिफाई करता है रिस्क फैक्टर्स को एक रिस्क फैक्टर आइडेंटिफाई किया स्मोकिंग स्टेटस तो स्मोकर अगर है तो आपका प्रीमियम ज्यादा होगा कंपनी मना भी कर सकता है बिकॉज यू आर अ बैड रिस्क फॉर द कंपनी ठीक है तो ये एक तो ये एस्पेक्ट हो गया जो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे ठीक है अभी जैसे 300 घंटे में अपने को क्या देखना मैं आपको बता देता हूं लाइक like, तुमने जिस तुम्हारा सबसे बड़ा गुड लक लाइफ में ये है तीन चीज होता है एक होता है सही कोर्स चुनना जो तुमने चुना एक होता है सही जगह पे होना जहां तुम हो अब तुम्हारा जो थर्ड एस्पेक्ट है वो खाली तुमको फोकस करना है सही टाइम पे तुमने सही जगह पे सही कोर्स चूज किया दिस इज द बेस्ट थिंग दैट यू हैव डन ठीक है आने वाला टाइम में अभी तो तुमने डिमांड देखा नहीं इस कोर्स का आने वाला 10 से 20 साल ये कोर्स का ही है आ जाओ जल्दी आ जाओ जल्दी आ जाओ तो आने वाला 10 से 20 साल मैंने जिस तरीके से काम आ रहा है ब्रॉड से एशियन मार्केट्स ले लो सिंगापुर हांगकॉन्ग चाइना उसके बाद तो यूके डेवलप मार्केट्स ले लो पूरा यूरोप पूरा यूएस जितना भी सारा काम हो रहा है आज के दिन पर उसका एक बहुत अच्छा पोर्शन इंडिया करता है पहले जहां किसी ने क्योंकि यहां पर क्या है चीप लेबर का देश है इंडिया में बोलता है तुमने देखा है सुपर टी में वो ट्रेलर में बोलता है इंडिया चीप लेबर का देश है जो चीज वहां वो लोग को एक करोड़ में कराना पड़ेगा वही चीज वो, वो लोग यहाँ पर तीस पैंतीस लाख में कराएगा वी आर हैप्पी विद दैट समझ रहे हैं लेकिन तुमको क्या उसके लिए बहुत मेहनत करना पड़ेगा चार साल बहुत रिगरस मेहनत करना पड़ेगा कोई भी कोर्स में ना तुम देखेगा कभी भी कोर्स में एंट्री मत लेना क्योंकि उसका पैकेज बहुत अच्छा है बिकॉज पैकेज इज अ वेरी सब्जेक्टिव थिंग लोग ऐसे भी है जो लोग तीन लाख में काम कर रहे हैं ऐसे भी है जो बीस हजार महीने में काम कर रहे हैं इंटर्नशिप कर रहे हैं समझ रहे हैं? ऐसे भी लोग हैं जो 50 60 लाख एक करोड़ पांच करोड़ सात आठ दस करोड़ तक भी काम कर रहे हैं जो अपॉइंटेड एक्चुअली होते हैं तो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर स्किल स्किल सेट सेट कि तुम कितना अपना डेवलप कर सकता है तो उसी का हम लोग फाउंडेशन रखेंगे एक्चुअली एज अ कोर्स में तुमको दो पेपर पे सबसे ज्यादा ध्यान देना है वो है सीएम वन और सी वन ये दोनों अगर किसी का लोग बोलते हैं कि थर्टीन एग्जाम्स बट मैं बोलता हूं दो ही एग्जाम है ये दोनों को एग्जाम अगर किसी का क्लियर हो गया ना उसके बाद अगर वो कभी एक्चुअली नहीं बनता तो वो सिर्फ उसकी गलती है कोई टीचर का गलती नहीं है कोई कोर्स का गलती नहीं है क्योंकि जो डेडिकेशन सी एम वन पढ़ा जो डेडिकेशन से आपने सी एस वन पढ़ा उसके बाद मेरे को नहीं लगता है कि आपको और कोई प्रॉब्लम होगा ये दोनों पेपर अगर किसी का अच्छे से हो जाए ना फोर्टी टू फिफ्टी परसेंट ऑफ द वर्क इज डन बिकॉज नाउ यू नो द प्रोसेस नाउ यू नो द फ्लो ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग ए में भी ये बोला जाता है इंटर किसी ने अगर क्रैक कर लिया ना तो उसके बाद अगर वो फाइनल में नहीं क्रैक कर पा रहा है, मतलब उसकी परिस्थिति वैसी बन गई वो नहीं पढ़ पा रहे वो सबको हटाओ बट उसमें प्रॉब्लम है तो इट्स बेसिकली आपको ये समझना पड़ेगा ये दोनों पेपर आपका बेस बनाएगा इन दोनों में भी सीएम वन का जो पेपर है इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पेपर है नहीं पूरे करिकुलम में आप देखोगे सीएम वन बहुत लोग का क्लियर होता है प्रॉब्लम क्या है वाई वाई यू सी वेरी लो पीपल आप जैसे फनल की तरह क्यों है वाई यू सी वेरी लो पीपल जो लोग uh, जो लोग मान लो यहां पर अभी एस पी या फिर एस पी या फिर एस ए लेवल पे वॉट इज द इशू इशू कुछ नहीं है इशू ये है कि दे आर नॉट वेरी कंसिस्टेंट तो इस कोर्स में आपको दिन का तीन घंटा देना पड़ेगा हर रोज फॉर द नेक्स्ट फोर ईयर्स ठीक है जो इको सिस्टम हम लोग को प्रोवाइड अभी जैसे हम लोग का जे एआई का कोर्स होगा जेनेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमने पूरा कोर्स लॉन्च कर रहे हैं हम लोग हमारे स्टूडेंट्स के लिए लॉन्च करे फोर्टी नाइन रुपीज में ठीक है तो वो क्यों लॉन्च करे क्योंकि आपको उसका नीड है दैट इज द नीड ऑफ द आर ठीक है तो जो भी चीज लगेगा वो आपको हम लोग कराएंगे बट आपको पढ़ना पड़ेगा उसके लिए अब जैसे देखो एक पेपर में तुमको ये समझना एक पेपर में तुम पूरा कोर्स को नाप लेता है कि भाई मेरे को कितना पढ़ना है कितना टाइम देना है क्योंकि देखो मेरा चौदह पेपर हुआ मेरा एक पेपर क्यों नहीं हो रहा बिकॉज आई एम नॉट दैट मच मैंने आई डोंट फील लाइक गिविंग द एग्जाम मेरा प्रॉब्लम है वो कोर्स का इश्यू नहीं है इट्स नॉट लोग बोलेंगे डिफिकल्ट है ये वो नहीं इट्स द प्रॉब्लम विद इन मी मेरे अंदर प्रॉब्लम है कोर्स का इश्यू नहीं है तुम समझ रहे तो ये चीज तुम लोग को अपना दिमाग में सेट करना होगा एंड एक कोर्स में तुम लोग पहले अपना कोर्स को नापो एक पेपर में पहला पेपर में जितना भी गलती करना है करो तुम देखेगा बहुत बार पढ़ाई नहीं हो रहा है बहुत बार सब नहीं बन रहा है तो पहला पेपर में तुम जो कर रहे हैं वही चीज तुमको मोटा मोटी आने वाला में रेप्लीकेट करना है बारा बार और बाकी दुनिया क्या बोलता है उसमें दिमाग मत लगाओ ये जो जहां तुम बैठा है डी प्रोड्यूस फोर्टी प्लस क्वालिफाइड फेलो अब्लिक एसोसिएट एक्चरीज ठीक है ना मैंने तुम ये समझो हम लोग का जो है पहला हम लोग को मिला आठ साल बाद और जस्ट लास्ट दो तीन साल में हम लोग को उस नंबर को हमने फोर्टी फोर्टी फाइव तक ले गया ठीक है बहुत सारे लोग होते जो लोग फॉर्म वगैरह फिलअप नहीं करते वो दैट्स समथिंग डिफरेंट बट उतना प्रॉब्लमैटिक नहीं है बट प्रॉब्लम कहा है दिमाग का प्रॉब्लम है तुम लोग को अपना दिमाग को सेट करना पड़ेगा आज से उसी सोच में रहो कि मैं जो कर रहा हूं उसमें काम में कैसे अप्लाई होगा वो टाइप का क्वेश्चन मेरे पास लेके आओ हो सकता है मैं भी कभी स्टक हो जाऊं तो वो चीज के लिए इंडस्ट्री एक्सपर्ट अप्लाई कर सकता हूं क्या कर सकता हूं फॉर द एग्जाम वी नो दैट वी कैन क्लियर दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट उसी दिन से हमको पता होगा कि हाँ भाई ये एग्जाम में जो दे रहा हूं मेरा होगा दो मेरा ये एग्जाम क्लियर होगा समझता है ना ये सब चीज ठीक है सो अब जैसे क्या है इसका जो पहला जो पार्ट है जो बैंकिंग वाला जो पार्ट है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं ठीक है अब सीएम वन में भी क्या है ना जैसे देखो सीएम वन का जो कोर्स है ये तीन सौ घंटे का है तीन सौ घंटे का जो बीस परसेंट है बीस परसेंट मतलब 60 hours. 60 hours अगर तुम मेरा लाइव फिजिकल या फिर लाइव ऑनलाइन जैसा जैसा मोड में कर रहे हैं अब जैसे किसी के पास ऑफलाइन अवेलेबल नहीं है तो वो बच्चा कुछ कर नहीं सकता लेकिन जिसके पास अवेलेबल है फिर भी वो नहीं करा तो प्रॉब्लम उसका है ये जो 60 आवर्स है जिसमें मैं कराऊंगा सर्टेन कैश फ्लोस का बेसिक्स एंड कंटिजेंसी का बेसिक्स मतलब पांच तारीख तक जो क्लास होगा एंड उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में जो क्लास होगा अगर तुम ये कर लिया तो फेल अगर हो गया ना पूरा पैसा मैं वापस दूंगा मैं ये बोल रहा हूं रिकॉर्डिंग हो रहा है मेरा ठीक है ये साठ घंटा जिस मोड में कर रहा है अगर कोई बच्चा कर लिया और वो फेल हो गया उसको एग्जाम में चाहेगा भगवान फेल हो जाए तो भी फेल नहीं हो सकता वो ये क्यों बोलो तो यहां उसका जो भी बेस बनना है वो यहां बनेगा इस लेवल पे बनता है क्योंकि फिर उसके बाद में कुछ भी सीखने वाला नहीं है खाली अप्लाई करना है ये बाकी 240 घंटा तुम लाइव करो रिकॉर्डेड करो मेरे को फर्क नहीं पड़ता है ये 60 घंटा तुमको करना पड़ेगा समझा ना तो ये 60 घंटा कब तक का टाइम मैं बोल रहा हूं नवंबर एंड तक का टाइम मैं बोल रहा हूं तो नवंबर एंड तक में जितना भी सारा फिजिकल क्लास होगा सब में आना पड़ेगा दैट इज द फर्स्ट स्टेप तुम ये मत देखो डिस्टेंस कितना है मेरा टाइम वो सब वो सब लॉजिक मत लगाओ अपना लॉजिक अपना घर पर रखो फिजिकल क्लास हो रहा है मतलब आना है तुम समझ प्रायोरिटी अपना डिफाइन करना पड़ेगा ये समझ आज मेरा भी संडे है मेरा शादी हो रहा है ठीक है बट प्रायोरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट कि तुमको क्या चाहिए लाइफ में यह कोर्स कोई पार्ट टाइम कोर्स नहीं है सी एफ एफ आर एम ऐसा पार्ट टाइम कोर्स नहीं है और भी ये मस्ती मजाक वाला कोर्स नहीं है इसमें पूरा हार्डवर्क चाहिए सीए के जैसा पूरा एकदम डेडिकेटेड हार्डवर्क चाहिए कोई बच्चा सी फाउंडेशन कर लिया तुम लोग तो देखते कितना बिल्डिंग में दीदी भैया लोग फाइनल में अटका है अपने वजह से अटका है भाई तुम कोई अच्छा सी से पूछेगा तब तुमको बताएगा वो लोग अपना अपना अपने वजह से अटका है कोर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है मैंने नहीं निकाला क्या इंटेलेक्ट का किसी के पास कमी नहीं होता है इट्स जस्ट बिकॉज ऑफ डिसिप्लिन एंड हार्डवर्क और अप्रोच उसके लिए तो ट्रेनर्स हैं ऑब्वियसली ट्रेनर्स हैं परफेक्ट ट्रेनर्स है तुम कोई भी कोर्स चूज करेगा परफेक्ट ट्रेनर्स है समझा तो वो चीज गाइडेड तुमको एकदम पूरा रहना है बीच में बहुत लोग आएंगे तुमको बोलेंगे ऐसा मत कर वैसा कर तू ऐसा मत कर वैसा कर ज्ञान लेने एक जन को मेंटर मान के चलो तो महाभारत में अर्जुन क्यों जीता एंड दुर्योधन क्यों हारा वो दुर्योधन क्या वो सबसे एडवाइस लेता था कैसे जीते कैसे जीते अर्जुन खाली एक जन से एडवाइस लेता था लॉर्ड श्री कृष्णा तुमको एक जन को किसी को भी मानो मेरे को मत मानो फर्क नहीं पड़ता है एक जन का एडवाइस सुनेगा तभी तुम जीत पाएगा अब जैसे मेरे लाइफ में क्या मैं इतना सक्सेस हुआ मैं एक जन का एडवाइस मानता हूं मेरे सबसे बड़े भैया अंकित भैया फिर मैं वेग भैया का एडवाइस जो वेग भैया बोलते हैं उसके आगे मैं कुछ नहीं करता वो बहुत गलत भी बोलते ना मैं मैं उनको मेंटर मान के चलता हूँ एक जन को मेंटर मानेगा तब तुम आगे बढ़ पाएगा बट बहुत बहुत तुम, तुम तो जैसे देखो तुम कोई भी बैंक में गया तुम अगर सबको वॉइस आ रहा है मेरा ऑनलाइन में एनी इश्यू यहां तक ठीक है अच्छा देबानी वह सेंगी टाइम तो बता दीजिए सीएम का दो बैच है जैसे एक अभी दिल्ली में मैं करा के आया एक अभी यहां पर तो पैरेलल दोनों बैच चलेगा कैलकाटा बैच जो चलेगा थोड़ा स्लो चलेगा तुम लोग का सिलेबस कंप्लीशन होगा जनवरी एंड पे हम लोग तुम जैसे जेवियस का और बाकी सीयू कॉलेजेस का जो एग्जाम होता है दैट इज फ्रॉम नवंबर मिड टू डिसम्बर मिड तो नवंबर समझ लो तुम लोग का जो लास्ट क्लास होगा वो पंद्रह तारीख को होगा चौदह तारीख ठीक है उसके बाद हो सकता है मैम तीन चार क्लास ले पेपर भी का टुवर्ड्स नवंबर एंड इज समथिंग डिफरेंट स्टोरी बट तुम लोग को अभी मेरा टारगेट ये है कि तुम लोग को मैं सर्टेन कैश फ्लोस कराऊंगा उसमें तुम लोग को क्या रिकॉर्डेड में देखना है वो मैं बता दूंगा एंड कंटेजें का बेसिक्स मैं कराऊंगा फिर उसके बाद तुम लोग को क्या करना है रिकॉर्डेड से एडवांस टॉपिक्स देखेगा और फिर जनवरी में मैं पूरा लाइव कराऊंगा ठीक है उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है जनवरी पूरा हम लोग कंटेंजेंसिज का एडवांस के लिए रखेंगे बट सर्टन डास्ट पूरा एंड कंटिजेंसी का बेसिक्स तक हम लोग को कवर करना है विध पेपर भी ठीक है पेपर ए पेपर भी पूरा सॉलिड लेक्चर तुम लोग को दिया हुआ है जो फिजिकल में मैं बता रहा हूं वो सब सुनो और घर पे रिकॉर्डेड लेक्चर देखो और अपना चालू करो प्रिपरेशन को ठीक है उसके बाद में जैसे तुम्हारा एम uh, एस वर्ड का बेसिक टाइपिंग जो लोग आई एफ से दे रहे हैं कैलकुलेटर कैसे यूज करना है बेसिक स्टेटिस्टिक्स का वीडियो ये सब तुम्हारे डैशबोर्ड पर तुमको दिख जाएगा तो ये सब तुमको करना है ठीक है अब आते हैं इस पर अब जैसे मान लो जब तुम एक बैंक में घुसता है तो बैंक में क्या होता है बहुत सारे टाइप का प्रोडक्ट होता है बहुत सारे टाइप का प्रोडक्ट का मतलब क्या है जैसे मान लो तुम देखेगा कि फिक्स डिपॉजिट है रिकरिंग डिपॉजिट है फिर तुम देखता है कि अगर कोई सीनियर सिटीजन है तो उसके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है ठीक है ना फीमेल्स के लिए कोई कोई बैंक का करता है कि उनके लिए रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्यादा है फिर तुम देखेगा वो आपको बोलेगा सर आप पांच महीने के लिए पैसा जमा करेंगे तो रेट अलग है आठ महीना के लिए रेट अलग है एक साल दो साल तीन साल के लिए रेट अलग है ठीक है तो बेसिकली ये सब जो प्रोडक्ट्स है इनके पीछे का जो फाइनेंस है वो बेसिकली कैप्चर होता है इसमें मैथमेटिक्स में जो हम लोग आने वाला पांच छह करने वाले हैं ठीक है थीके? तो आप तुम देखो दो टाइप का फंक्शन होता है ठीक है दो टाइप का फंक्शन होता है जो हम लोग को इस फाइनेंशियल मैथ्स में सीखना है एक जैसे एक बेसिक चीज मैं तुमको बताता हूं इसको हम लोग बोलते हैं टाइमलाइन नीचे हम लोग प्लॉट करते हैं टाइम कुछ कॉपी करने का दरकार नहीं तुम लोग को खाली सुनते जाओ ध्यान देकर सुनते हो जाए सत्संग का फीस दिया है और बस सत्संग चलेगा सत्संग क्या होता है सुनते हैं ना बस बस सुनो ठीक है अभी जैसे मान लो यहां पर सौ रुपया जमा कराया दस परसेंट ब्याज में तो यहां कितना आएगा एक सौ दस आएगा राइट ये क्या है ये है प्रेजेंट वैल्यू और ये क्या है अक्यूमुलेटेड वैल्यू ये चीज तो समझ में आता है ना जो फ्यूचर में है वो अक्यूमुलेटेड वैल्यू तुमको पूरा CMN में खाली दो ही चीज करना है सिर्फ दो ही चीज करना है क्या करना है ध्यान से सुनो इसको आगे लेके जाने को बोलते हैं कंपाउंडिंग और इसको पीछे लेके आने को बोलते हैं डिस्काउंटिंग यही हम लोग करेंगे और कुछ नहीं करेंगे पैसा का स्ट्रक्चरिंग दिया हुआ रहेगा पूरा पूरा, पूरा सीएम सौ नंबर का पेपर ए हो चाहे पेपर बी हो पूरा सोल ऑब्जेक्टिव यही है स्ट्रक्चरिंग दिए हुए रहेंगे उसमें बहुत सारा इंश्योरेंस कंपनी का दिया रहेगा बहुत सारा बैंकिंग का दिया रहेगा स्ट्रक्चरिंग पूरा दिया हुआ रहेगा तुमको कुछ नहीं करना है जो कैश फ्लो का स्ट्रक्चर है सामने के बैठो हाँ तुम सामने आके बैठो तुम भी इधर आ जाओ तुम लोग तो अंदर जाओ तो सामने आओ तुम नहीं तुम उसको पीछे वालों को बोल रहे जितना हो सके सा सामने आके बैठो ठीक है एक दूसरे का हेल्प लेना सीखो ईगो मेरा नाम मत सीखो आई वॉज ऑल्सो वेरी इगोइस्टिक ड्यूरिंग माई कॉलेज टाइम मेरे को लगता था अपूनिज भगवान है ऐसा नहीं होता है भाई तुमको सबका दरकार पड़ता है ठीक है ये हाँ इधर बैठ जाओ सबका हेल्प करो और सबसे हेल्प लो भी ठीक है तो देखो ये है ना बेसिकली इसमें अपने को कुछ भी नहीं करना है पूरा जो 300 घंटे का लेक्चर है उसका क्या चाहिए बताओ जगह नहीं हो रहा है इसको पीछे रख दो तो एक बार हाँ दे दो उसको पीछे रख दो एक बार पीछे दे? हाँ कुछ भी प्रॉब्लम हो मेरे को बोलो ठीक है तो अभी देखो कुछ भी कैश फ्लो का स्ट्रक्चरिंग देगा ना कुछ भी कैश फ्लो का स्ट्रक्चरिंग देगा

एक मिनट रुको ठीक ठीक है ठीक है तो ये दो चीज जो है अब तुमको ये समझना पड़ेगा जो जो पैसे का जो घड़ा है वो कहां पर है पैसे का घड़ा अगर प्रेजेंट में है तो फ्यूचर में लेके जाना है दिस इज कंपाउंडिंग और कोई भी सम ऑफ मनी जो फ्यूचर में है उसको टान के प्रेजेंट में लाना दो एग्जांपल देते हैं अब जैसे मान लो मेरे पास बहुत सारा पैसा इकट्ठा हुआ पचास लाख इकट्ठे हुए अलग अलग सोर्सेज ऑफ इनकम है मेरा पचास लाख इकट्ठा हुआ मैंने उसको एक पीएमएस में डाल दिया पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस में डाल दिया मिनिमम एंट्री पॉइंट इन अ इज ठीक है तो मैंने उसको डाल दिया अब वो पैसा क्या होगा धीरे धीरे करके अक्यूमुलेट होगा मैंने दो महीना पहले डाला था पचास लाख अभी चौवन लाख रुपए बैलेंस है फिफ्टी फोर ठीक है तो बेसिकली धीरे धीरे करके वो पैसा अक्यूमुलेट होगा एक और होता है मेरे को पता है कि मेरे को आज से ठीक चार साल के बाद में फॉर एग्जाम्पल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूएसए कोर्स करना है मास्टर्स करना है एक साल का दो साल बाद उसका फीस है मान लो एक करोड़ तो मैं बैंक के पास में जाऊंगा मैं बोलूंगा मेरे को दो साल के बाद में एक करोड़ रुपया चाहिए बताओ मैं थोड़ा थोड़ा करके कितना जमा करूं तो मेरे को समझना पड़ेगा अक्यूमुलेटेड वैल्यू है अब ये निकालू कैसे बैंक कुछ कैलकुलेशन करेगा ना कुछ कैलकुलेशन करके बैंक निकालेगा सर आपको महीने का पांच लाख देना है तब जाके मैं आपको दो तीन साल बाद इतना रुपया दूंगा इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट में आपका ब्याज चढ़ रहा है तो बेसिकली ये जो सारा कैलकुलेशन है यही हम लोग को सीखना है ठीक है चलो अब इसके बाद में एक बेसिक चीज देखो अब जैसे देखो यहां पर है दस हजार ठीक है और यहां पर दो साल के तुमने किसी को दस हजार रुपये दिया आज दो साल के बाद में वो तुमको बारह हजार रुपये दे रहा है तो वो तुमको एक्स्ट्रा कितना दे रहा है दो हजार ये जो एक्स्ट्रा दो हजार रुपए का दे रहा है इसको हम लोग क्या बोलते हैं इंटरेस्ट राइट ये वो आदमी क्यों पे करता है क्योंकि पैसे के साथ में क्या है रिस्क फैक्टर है पैसे के साथ में क्या है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है राइट right? एंड एक चीज बताओ जब मैंने चालू किया था मैं छः हजार में पढ़ाता था यही पेपर आज मैं इसी का इकतीस हजार आठ सौ रुपये लेता हूँ ठीक है कल मैं अपने शादी का सूट बनाने गया था तो मेरे भैया का भी उसी दुकान से बना था स्ट्रीट में दुकान है बर्लिंगटन बोल के तो वो जो है ओनर वो आए थे वो बोले आपका जो बना भैया का बना था दस सर बोले अट्ठारह में मेरा बना पचपन में राइट right? तो एक बात बताओ अगर कल के दिन में मैं अट्ठारह हज़ार रुपये ही लेके जाता उस दुकान में तो क्या मेरा सूट बनता क्यों नहीं बनता क्योंकि हर चीज़ महंगा हो रहा है राइट मेरा तो ये छोड़ दो मेरा एक्चुअली क्या है ये छः हज़ार तो ठीक है इसमें एक पार्ट था फिर दो पेपर हुआ ना जैसे सी वन का था फिर दो पेपर हुआ फिर एक्सेल भी आया तो मेरा तो मेरा फीस नहीं बढ़ा है मेरा यही समझो ठीक है आज मेरा जल्दी आओ यू आर लेट सी एम टू आफ्ट एट टू पी एम सी एम वन ओके कहाँ रहते हैं आप लोग दोनों हावड़ा ठीक है हावड़ा इज द हब यानी जितने भी टैलेंटेड लोग हैं वो लोग या तो हावड़ा में मिलेंगे आपको विच एरिया इन हावड़ा डॉपसन रोड डॉपसन रोड देखा सोचो ठीक है एक्सट्रीम्स आर ऑलवेज देर बट यू नीड टू अंडरस्टैंड हावड़ा में मिलेंगे आपको टैलेंटेड लोग या फिर लेक टाउन में मिलेंगे ठीक है दो ही एरिया है कैलकटा में अलीपुर में मिलेंगे पैसे वाले ठीक है नहीं नहीं मैं तो टॉलीगंज में रहता हूं ठीक है मेरे को देख के ऐसे लगता है भाई ये कुछ नहीं है ये सब सब ऐसे ही है ठीक है तो बेसिकली शादी का बात हो रहा था तो अब जैसे मान लो दस साल पहले जो भैया का जो सूट बना अट्ठारह हजार में मेरा बना पचपन हजार में तो मोटा मोटी तीन गुना कॉस्ट हो गया अब मेरे को तुमसे पूछना है कि आ, कल के दिन पे भी अगर मैं रुपए लेके ही जाता तो क्या वहां पर सूट बनता नहीं बनता क्यों क्योंकि चीजें महंगी हो रही है राइट जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंप्रूव हो रहा है बेसिक आटा दाल चीनी चावल उसके बाद में वेजिटेबल्स जो बेसिक जो आइटम्स होते हैं सर्वाइवल के आज घर भाड़ा होता है ठीक है ना रेंट सो so, बहुत सारे लोग रेंटेड फ्लैट्स में रहते हैं तो हम लोग जब थे वहां पर मकान मालिक का ये नियम था कि हर साल जो रेंट होगा वो रिवाइज होगा लाइक वी स्टेड दस हजार रुपये महीने का रेंट था हर ग्यारह महीना में वो आता ठीक है वो दस हज़ार से उसको करता हज़ार रुपये बढ़ाता ग्यारह हज़ार तो एक दो साल ग्यारह बारह तक किया फिर उसको लगा भाई अब तो बारह हज़ार का दस परसेंट कितना होता है बारह सौ होता है

तो आज मैं अगर अपना किसी को पैसा दे रहा हूं तो वो मेरे को ये ये जो दे रहा रहा है 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 वो एहसान नहीं कर रहा है मेरे पे ठीक ना ये एक कॉस्ट एलिमेंट आप चीज समझो आज मैंने किसी दस हजार दिया है तो दो साल बाद मेरे को तो मिलना चाहिए ना जो भी मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट मैंने लगाया दिस एक्स्ट्रा इज वॉट एक तो मैंने जोखिम उठाया मैंने जोखिम उठा के आपको पैसे दिए क्या पता मेरा पैसा वापस नहीं आता तो वो पैसा को अगर मैं कहीं इन्वेस्ट करता तो मेरे को उस पैसे से रिटर्न आता तो आपसे भी मेरे को कुछ चाहिए होगा आज हम लोग जब बिजनेस करते हैं तो उसमें चार टाइप के लोग का दरकार होता है एक जो अपना ह्यूमन लेबर लगाता है उसको वेजेस मिलता है एक जो बेसिकली ऑनट्रप्रिनर होता है उसको प्रॉफिट मिलता है जो बेसिकली लैंड देता है उसको रेंट मिलता है तो जो कैपिटल देगा उसको भी तो इंटरेस्ट मिलना चाहिए ना और एक जो चीज मैंने आपको जो बताया यहां पर चीजें महंगी हो रही है चीजें महंगी होने का मतलब क्या है आप बेसिकली ये समझ लो कि जो वैल्यू ऑफ मनी है जो वैल्यू ऑफ मनी है वो ओवर टाइम क्या हो रहा है डिक्रीज हो रहा है डिक्रीज ओवर टाइम वैल्यू ऑफ मनी डैश ओवर टाइम डिक्रीज ओवर टाइम तो क्यों डिक्रीज हो रहा है क्योंकि चीजें महंगी हो रही है ओवर टाइम मैंने आपको एक परफेक्ट एग्जाम्पल दिया जो कल मेरे साथ हुआ तो 10 साल में उसका दाम तीन गुना हो गया राइट तो अब अगर मेरे को उसी स्टा... अब बीच में विवेक मेरे जो मिडिल भैया उसका भी शादी हुआ था चार साल पहले उस समय जो रेंज था दैट वाज इन थर्टीज सेम शॉप सेम काइंड ऑफ स्टैंडर्ड ऐसा नहीं है उसने को पहला जो पहना है थर्टी थर्टी फाइव के रेंज में तो एक डबल हुआ एंड अब वहां से वापस से, से रिविजन तो हर चीज में यह चीज है आप चाहे रेंट देखो आपका जो नॉर्मल एसओ एल एस जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है यू सी वेर आर इन्वेस्टिंग यूनिट टू बी वेरी स्मार्ट विथ मनी क्या होता है जो आपके जो पापा हैं या फिर जो दादाजी हैं जो भी फाइनेंस मैनेज करते हैं मम्मी मैनेज करती है इट ऑल डिपेंड्स कि आप अपना पैसा को कहाँ इन्वेस्ट करते हो म्यूचुअल फंड ऑन एन एवरेज आपको रिटर्न देता है दस से बारह परसेंट का इन्फ्लेशन है सात परसेंट का तो आप अगर एफ में पैसा लगा रहे हो तो बेसिकली आप देखोगे धीरे धीरे करके आपका जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है कॉम्प्रोमाइज कैसे हो रहा है फॉर एग्जाम्पल पहले आप जो फोन यूज करते थे वो एकदम अपडेटेड था धीरे धीरे करके आप देखो आप देखोगे वर्जन वर्जन या फिर थर्ड देखोगल आई फोन सिक्सटीन लॉन्च हुआ तो आप आईफोन फोर्टीन ले रहे हो ठीक है ना आप समझो आप चीज समझो धीरे धीरे करके आपको चीज महसूस होगा कि कहीं ना कहीं हम हमारे स्टैंडर्ड लिविंग में कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं फॉर एग्जाम्पल पहले अगर आप महीने में आठ बार बाहर जाते थे अब आप छह बार ही जा रहे हो फिर पांच बार जा रहे हो फिर नहीं जा रहे हो तो दैट इज हाउ धीरे धीरे करके आपको रियलाइज होता है घर में क्या सब्जी बन रहा है तो धीरे धीरे करके आपको समझ आ रहा है आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कहीं ना कहीं तो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है बिकॉज आप इन्फ्लेशन को बीट नहीं कर पा रहे हो तो इन्फ्लेशन को बीट करने का मतलब यू नीड सम ग्रेटर देन नीट समसेंट कि भाई अगर मान लो मैं आज कोई चीज सौ का खरीद रहा हूं एक साल बाद वो मेरे को एक सौ दस का मिल रहा है तो मेरे को वही चीज खरीदने के लिए एक सौ दस रुपए मेरे पास होने चाहिए नहीं तो नहीं तो नहीं तो, नहीं तो मेरे को क्या होगा लॉस हो जाएगा राइट तो बेसिकली वैल्यू ऑफ मनी जो परचेसिंग पावर है अट्ठारह हजार में तो अब सूट बनेगा नहीं नहीं बनेगा भाई ठीक है तो वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजेस ओवर टाइम ठीक है तो दिस इज वाई वी पे इंटरेस्ट इंटरेस्ट जो है बेसिकली वो एक एक्स्ट्रा कॉम्पोनेंट है दैट वी पे इन ऑर्डर टू फॉर द लॉस इन द वैल्यू ऑफ मनी माने आप ये जो एक्स्ट्रा जो दे रहे हो आप एहसान नहीं कर रहे हो या आप इसीलिए दे रहे हो क्योंकि 12000 जो मैं दूंगा दो साल बाद उसका वैल्यू आज के हिसाब से मोटा मोटी दस दर ही रहेगा ठीक है वाई आर यू पेइंग मी थर्टी वन थाउजेंड एट हंड्रेड बिकॉज यू बिलीव की भाई आज मेरा जो आउटफ्लो है फ्यूचर में मेरे को जो इकोनॉमिक बेनिफिट मिलेंगे आपको ये लगता है ना भाई आई एम इन्वेस्टिंग सम अमाउंट ऑफ मनी इन माई स्टडीज एंड आई एम ऑल्सो पुटिंग इन माई लेबर ओके फ्यूचर में मेरे को जो इकनॉमिक बेनिफिट्स मिलेंगे दैट विल बी मच ग्रेटर दैट इज आई एम इन्वेस्टिंग इन दिस कोर्स थ्री टू फोर लैक ऑफ रूपीज राइट ठीक है तो बेसिकली थ्री रीजन आर रिस्क फैक्टर ऑपरचुनिटी कॉस्ट एंड वैल्यू ऑफ मनी डिक्रीजे ओवर टाइम सो दिस इज अ बेसिक इंट्रोडक्शन कुछ कॉपी मत करो सब आ जाएगा आपके डैशबोर्ड पे आ जाएगा ठीक है अब जैसे हम लोग बात करते हैं कि कैसे पैसा कंपाउंड होता है कंपाउंड मतलब पैसा को आगे लेके जाना आप चालू करोगे सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट कुछ कॉपी मत करना हाँ सिंपल इंटरेस्ट की बात करेंगे ठीक है सिंपल इंटरेस्ट का जो अदर नेम होता है दैट इज कमर्शियल रेट दैट इज कमर्शियल दैट इज कमर्शियल रेट ऑफ इंटरेस्ट ठीक है ना कमर्शियल रेट ऑफ इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट हमने क्लास सेवन एट में पढ़ रखा है सिंपल इंटरेस्ट SI का जो एस आई का जो फॉर्मूला होता है दैट इज पी आर टी बाय हंड्रेड और जो अमाउंट जो होता है जो फ्यूचर में मिलता है दैट इज प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट तो प्रिंसिपल प्लस पी आर टी बाय हंड्रेड तो पी आ जाएगा कॉमन वन प्लस आर टी बाय हंड्रेड अब एक्चुअली में क्या है ना हम लोग अपना नोटेशन यूज करते पहले यहां तक तो कॉपी करो <coughs> हाँ जाओ पीछे से जाना पड़ेगा स्ट्रेट राइट चला इसी चला यहां तक सबको समझ में आ रहा है ठीक है ठीक है अब देखो इसको मैं रिफ्रेम करके कैसे लिखता हूं अमाउंट मतलब अक्यूमुलेटेड वैल्यू प्रिंसिपल मतलब प्रेजेंट वैल्यू वन प्लस आर बाई हंड्रेड को मैं लिखूंगा आई एंड टी को लिखूंगा मैं एन विच इज नंबर ऑफ इयर्स सो इस्यूमुलेटेड वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यून प्लस एन आई एन इज नंबर ऑफ इयर्स एंड आर इज इन परसेंटेज उसको डिवाइड बाई हंड्रेड करेंगे तो क्या आएगा आई विच इज एक्सप्रेस इन डेसिमल्स ठीक है सो अक्यूमुलेटेड वैल्यू इज प्रेजेंट वैल्यू वन प्लस एन आई अब एक बात समझना टर्म सिंपल और वाई द वर्ड सिंपल इज यूज इसका एक बहुत सिंपल सा चीज है इंटरेस्ट में जब इंटरेस्ट नहीं लगता है आइए इंटरेस्ट में जब इंटरेस्ट नहीं लगता है मतलब खाली प्रिंसिपल पे लगेगा हंड्रेड इज इन्वेस्टेड एट द रेट टेन परसेंट ठीक है इससे ब्रांचेस निकालेंगे तो हंड्रेड और टेन आएगा फिर इससे ब्रांचेस निकालेंगे तो यहां पर आएगा हंड्रेड और यहां पर आएगा टेन और यहां से कोई ब्रांच नहीं निकलेगा जब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट ठीक है और जब इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट चार्ज होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट एन जब नीचे है मतलब सिंपल एन यही अगर पावर में चला जाएगा यहां यहां से निकल के अगर पावर में चला जाएगा इसका मतलब वो हो जाएगा कंपाउंड मतलब ब्याज पे ब्याज चार्ज हो रहा है ठीक है तो बेसिकली ये कॉपी कर लीजिए एक बार और बहुत बार एग्जाम में बोलेगा कमर्शियल रेट ऑफ इंटरेस्ट तो कमर्शियल वर्ड का मतलब ही सिंपल होता है सिंपल बोलेगा तो सिंपल कमर्शियल बोलेगा तो भी सिंपल कंपाउंड बोलेगा तो कंपाउंड एफेक्टिव बोलेगा तो कंपाउंड और इंटरेस्ट बोलेगा तो भी कंपाउंड क्योंकि हम लोग मान के चलेंगे कि कंपाउंडिंग है ठीक है ना ठीक है हुआ ये हा या ना देखो ध्यान देना अब इसके बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट ब्रैकेट में लिख देना इफेक्टिव इफेक्टिव रेट ऑफ इंटरेस्ट भी इसको हम लोग बोलते हैं तो ये बहुत सिंपल है अक्यूमुलेटेड वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू वन प्लस आई टू पावर एन इसमें क्या होता है हंड्रेड इज इन्वेस्टेड एट द रेट टेन परसेंट ठीक है तो पहला साल क्या होगा हंड्रेड और टेन दूसरा साल क्या होगा हंड्रेड और टेन टेन और वन मैंने जब ब्याज पे ब्याज चार्ज होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट और पहले जो हम लोग फॉर्मुला पढ़ थे वो कुछ ऐसा फॉर्मुला था अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल वन प्लस आर बाय हंड्रेड होल्ड टू द पार्ट टी यही फॉर्मूला था ना वहीं से तो आया है टी इज एन आर बाय हंड्रेड इज आई पीज पी वी एंड अमाउंट इज एवी ठीक है हा ओके सबको ठीक है यहां तक अब सब लोग अपना कैलकुलेटर निकाल लो एक क्वेश्चन करेंगे प्रेजेंट वैल्यू दे दिया है फाइव थाउजेंड एन दे दिया है फाइव आई दे दिया है टेन परसेंट ठीक है दोनों से निकालना है पहले एस और फिर आ, सी दोनों से निकालना है ठीक है तो जब एस में कर रहे हैं तो फॉर्मूला क्या बनेगा फाइव थाउजेंड वन प्लस जीरो पॉइंट वन इन टू फाइव टेन परसेंट है ना तो टेन बाई हंड्रेड कितना होता है जीरो पॉइंट में अगर कन्वर्ट करेंगे तो कितना होगा जीरो पॉइंट वन तो ये कितना आ रहा है बताइए और जब कंपाउंड इंटरेस्ट में कर रहे हैं तो आएगा फाइव थाउजेंड वन प्लस जीरो पॉइंट वन टू फाइव तुम लोग दोनों कैलकुलेटर लाए हां ये वाला लाया ना ठीक है ध्यान देना मेरी बातों पर एक बार अब जैसे देखो यहां पर कितना आ रहा है साढ़े सात हजार और यहां पर कितना आ रहा है एट एट जीरो फाइव टू क्या एट जीरो फाइव टू पॉइंट में जो भी आ रहा है ठीक है पांच से छह डेसिमल प्लेस तक हम लोग करेंगे में आया? भ्याच पे भ्याच रहा है। अब मैं आपको इसका ब्रेकअप दिखाता हूं देखो मेरा बात सुनो ये जो है ना खून में जिसके दौड़ गया ना वो जीत जाएगा ये और ये, ये और ये ठीक है इसका ब्रेकअप देख लो एक बार कभी भी कभी खुशी कभी पिक्चर देखा है ऐसा कोई है यहां पर जो नहीं देखा वो पिक्चर हाथ उठाओ कभी खुशी कभी गम शाहरुख खान का ऋतिक रोशन का वो पता है जब उससे मिलने जाता है लंडन तो वो बोलता है कभी भी तुम्हारा लाइफ में कोई प्रॉब्लम आए तो क्या बोलता है कोई भी तुम बताओ तो तुम देखे ना पिक्चर तुमको याद नहीं आ रहा है वो बोलता है कि अपने मम्मी पापा का नाम लो देखना सारा मुश्किल का हल निकल जाएगा तो एग्जाम में अगर तुमसे कोई भी चीज सॉल्व ना हो ना तुम बेस पे जाओ हाई लेवल का प्रॉब्लम होगा जैसे लास्ट चैप्टर है रिजर्विंग एस्पेक्ट्स ऑफ प्रॉफिट टेस्टिंग ठीक है तो कोई भी क्वेश्चन तुमको आए ना नहीं समझ में आए ना तुम बेस पे जाओ अब जैसे ये तो है लेकिन इसके पीछे का ढांचा देखो क्या है आओ दस परसेंट का ब्याज मतलब का, का रेट है जब सिंपल होगा तो करेंगे प्लस कंपाउंड होगा तो करेंगे मल्टीप्लाई चीज समझो सिंपल को हटा देते सिंपल में कुछ भी नहीं है पांच हजार बेसिक चीज समझता है ना तुम लोग नहीं समझना तो मेरा बात जो बोलो सुनो पांच हजार का दस परसेंट कितना होता है पांच सौ को नींद आ रहा है उठ हां पांच हजार का दस परसेंट कितना पांच सौ तो हर साल का इंटरेस्ट अमाउंट कांस्टेंट रहेगा कि चेंज होगा कांस्टेंट रहेगा क्योंकि क्या है सिंपल है तो पांच बार ढाई हजार ब्याज का हो गया तो साढ़े सात हजार आ गया कंपाउंड में क्या हो रहा है चीज समझो हर एक रुपया जो मैं डाल रहा हूं वो क्या हो रहा है उसमें प्लस हो रहा है जीरो तो मेरा एक कितना बन जा रहा है एक रुपया दस पैसा मेरा एक रुपया दस पैसा ये में को दिक्कत है हो तो मेरा एक रुपया दस पैसा बन रहा है तो स्टार्टिंग में एक रुपया डाल रहा है तो ईयर एंड पे कितना बन रहा है एक रुपया दस पैसा फिर सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है एक रुपया दस पैसा दोबारा से मल्टीप्लाई हो रहा है एक रुपया दस पैसा से तुम चीज समझो एक साल आगे देखो क्या हो रहा है ना अगर आगे लेके जाएगा कोई भी पैसा को तो करेगा मल्टीप्लाई तो करेगा मल्टीप्लाई तो मल्टीप्लाई करने का जो फैक्टर जो है अक्यूमुलेट जो कर रहे हैं उसका जो फैक्टर है अक्यूमुलेशन फैक्टर जो है वो है वन पॉइंट वन यही अगर ब्याज का रेट होता पांच परसेंट होता तो मेरा फैक्टर क्या बनता 1.05 पहले फैक्टर बनाना सीखो यही अगर अक्यूमुलेशन यही अगर मान लो ब्याज का रेट 8 परसेंट होता 8 8 तो उसमें क्या बनता मेरा 1.08 मतलब एक रुपया लगा रहे हैं आज तो एक साल बाद कितना बन रहा है एक रुपया आठ पैसा एक रुपया आठ पैसा बन रहा है ठीक है तो आज कितना लगा रहे हैं एक रुपया ना पांच हजार आज कितना लगा रहे एक रुपया ना पांच हजार पांच हजार लगा रहे हैं तो आज अगर मान लो पांच हजार रुपया लगा रहे हैं तो एक साल बाद कितना मिलेगा इंटू वन ये एक साल का है ये जो फैक्टर है ये हर साल के लिए सेम रहेगा ना चेंज होगा सेम रहेगा ये फैक्टर हर साल के लिए सेम रहेगा क्यों क्योंकि हर साल के स्टार्ट में तुम जितना भी रुपया लगाओ वो कितना हो जाएगा 1.1 टाइम्स हो जाएगा ट्रू या फॉल्स ट्रू तुम साल के स्टार्ट में जितना भी रुपया लगाओ ईयर एंड पे कितना हो जाएगा ये सोचो 1.1 नहीं समझा तुम लोग दोबारा समझाना पड़ेगा मैं बोल रहा हूं ब्याज का रेट है दस परसेंट जी ये समझ जब तक नहीं समझा आगे नहीं बढ़ सकते हम लोग मैं फैक्टर बनाना सीखना पड़ेगा ना मैं बोल रहा हूं ब्याज का रेट है मान लो बारह का ठीक है मैं बोल रहा हूँ ब्याज का रेट है बारह का ठीक है तो तुम आज एक रुपया लगाएगा तो एक साल बाद कितना मिलेगा एक रुपया बारह पैसा मिलेगा हाँ या ना ये समझता है ना तुम लोग सब ये समझ रहे बारह पैसा मिलेगा मैं बोल रहा हूं उस साल के स्टार्ट में जितना भी रुपया होगा वो ईयर एंड पे कितना बन जाएगा टाइम्स टाइम्स क्यों क्योंकि हर साल में बारह का ब्याज का रेट है तुम जितना भी पैसा साल के स्टार्ट पे लगाएगा ईयर एंड पे कितना बनेगा 1.12 टाइम्स वो मेरा फैक्टर है फैक्टर क्या है पैसा को आगे लेके जाने का जरिया है मतलब तुम पैसा को आगे लेके जा रहे देखो यह टाइमलाइन है यह जीरो है यह वन है यह टू है और यह थ्री है यहां से यहां जाएगा एक साल ठीक है फिर यहां से यहां जाएगा दो साल फिर यहां से यहां जाएगा तीन साल तो तीन साल आगे जा रहा है ना तो जितना भी साल तुम आगे लेके जाना चाहते है जाओ लेकिन फैक्टर क्या रहेगा 1.1 1.08 तो वही तो मैं क्वेश्चन किया कि तुम जितना भी आगे लेके जाएगा फैक्टर सेम रहेगा ना चेंज होगा फैक्टर तो सेम ही रहेगा भाई फैक्टर तो आगे लेके जाने का जरिया है कि तुम जितना भी पैसा लगा रहा है वो वन पॉइंट उतना हो जा रहा है समझ में आया चीज दोबारा से देखो दोबारा से देखो मान लेते हैं इंटरेस्ट रेट है बीस परसेंट का ठीक है आज एक रुपया लगा रहा है तो एक साल बाद कितना हो जाएगा वन पॉइंट टू टाइम्स राइट वन पॉइंट टू टाइम्स आज अगर लगाया दस हजार रुपया तो एक साल बाद कितना हो जाएगा बारह हजार हो जाएगा तो सेकेंड ईयर का स्टार्टिंग के लिए बारह हजार का प्रिंसिपल है उसको अगर तुम ईयर एंड पे लेके जाएगा तो दुबारा से मल्टीप्लाई करेगा मेरा भाई हा? तो वही तो मैं पूछ रहा हूं लेके जाने का लगाएगा एंड पे क्या हो जाएगा एंड पे क्या हो जाएगा बीस परसेंट से एडअप हो जाएगा मैंने जितना भी पैसा तुम लगा रहे हो उसमें बीस परसेंट ब्याज का है तो ईयर एंड पे क्या होगा पहले ये समझो वन 1.2 एक टाइम पीरियड आगे लेके जाने का फैक्टर है एक टाइम पीरियड आगे लेके जाने का फैक्टर है ये समझ ये जब तक नहीं तक नहीं तब कुछ नहीं हो सकता है ठीक है पैसा को आगे लेके जाएंगे तो करेंगे फैक्टर से मल्टीप्लाई पीछे लेके आएंगे तो फैक्टर से करेंगे डिवाइड बहुत सिंपल सी चीज है दोबारा बता रहा हूं देखो देखते जाओ मैं बोल रहा हूं ये जीरो है और ये वन है ये समझना पड़ेगा यहां दस हजार रुपया है और यहां पर मैं कर रहा हूं बीस परसेंट तो फैक्टर क्या बन रहा है वन पॉइंट टू यहां कितना हो गया बारह हजार अब मान लेते हैं कि ये मेरे को नहीं दिया है इसको जब पीछे लेके आएगा मेरे दोस्त तो क्या करेगा बारह हजार से डिवाइड ना करेगा वन पॉइंट टू को तो कितना आएगा दस हजार आएगा ना भाई बताओ यही तो बता रहा हूं इतना देरी से ठीक है ये एक साल का किया आगे देखो अब दो साल का देखो सारा रस सारा रस इसी में है और कुछ नहीं है ये दस हजार रुपया है अब यहां पर वन है और यहां पर मान लेते हैं टू है ठीक है यहां पर मान यहां पर मान लेते हैं टू है ठीक है यहाँ पर मान लेते हैं टू है अब इसको ध्यान से देखो मैं बोल रहा हूं एक साल आगे लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा बारह हजार हो जाएगा हाँ क्या किया इंटू वन पॉइंट टू दोबारा क्या करेंगे इंटू वन पॉइंट टू जल्दी बताओ कितना आ रहा है जल्दी बताओ कितना आ रहा है हा चौदाह हजार चार सो आ रहा है इसको एक टाइम पीरियड पीछे लेके जाएगा तो क्या हो जाएगा चौदह हजार चार सौ को डिवाइड करेंगे वन पॉइंट टू से तो कितना आएगा बारह हजार फिर इसको एक टाइम पीरियड पीछे लेके जाएंगे मल्टीप्लाई तो तो पैसा, ले जा मतलब पैसा को पीछे आ रहे, क्या कर रहे 5 साल आगे जाएंगे तो पावर में फाइव पांच साल डिवाइड करेंगे तो पांच साल पीछे लेके आएंगे तो क्या होगा डिवाइड बाई वन तुम समझो अब यही दो साल का है ना अब हम लोग टाइमलाइन से नहीं करेंगे दिमाग में करेंगे ठीक है दस साल आगे लेके जाना है तो फैक्टर क्या बनेगा इंटू वन पॉइंट टू टू दिप टेन दस साल पीछे लेके आना तो क्या होगा डिवाइड में टू टू पार्ट टेन ये जो बच्चा समझ गया ना ये ही है बस ये ही, है, ये ही समझने का चीज है बस इसी का पैसा दिया है सच बता इसी का पैसा दिया है है ठीक ये जो समझ गया फैक्टर कैसे बन रहा है अगर मान लेते हैं अब इसी को मैं चेंज करता हूं ठीक है इसको मैं चेंज कर देता हूं अभी एनुअल एनुअल बोल रहे थे ना तुम बैंक में गया बोला सर ब्याज बेटा का क्या सिस्टम है वो बोलेगा दो परसेंट हर क्वार्टर का माने हर तीन महीना में ब्याज चढ़ेगा दो परसेंट हर में मैं घर में तुम लोग टोन सुना होगा हर हर महीना ब्याज को मेरे को चाहिए एक परसेंट समझो पापा लोग ऐसे बात करते हैं ना मैं दस लाख दे दूंगो ठीक है एक परसेंट ब्याज लाख सी मैंने लगेगा ठीक है अब तुम एक चीज समझो पापा बोले दो साल के लिए पैसा दे, दे देंगे कितना दे, दे देंगे दस लाख दे, दे देंगे एक ब्याज का लगेगा कितना लगेगा महीने का एक तो दो साल में कितना महीना होता है दो साल में कितना महीना होता है चौबीस तो दस लाख है ना तो हर महीना का फैक्टर क्या बनेगा जो बता दिया वो पास है एक महीने का फैक्टर क्या बनेगा गलत यार फैक्टर बोल रहा हूं फैक्टर पॉइंट जीरो वन तो इंटरेस्ट रेट है 1.01 ना आज एक रुपया लगा रहे है। तुमको नहीं दिख रहा है प्रॉब्लम हो रहा है ना ठीक <coughs> है मैं बोला दस लाख रुपया है ठीक है दस लाख रुपया है एक साल का फैक्टर क्या बन रहा है एक साल का फैक्टर क्या बन रहा है गुड क्वेश्चन सुनो वन पॉइंट जीरो वन टू दी पार्ट ट्वेल्व एक महीने का फैक्टर क्या बन रहा है वन पॉइंट जीरो वन मैं दस लाख दे दूंगा एक परसेंट ब्याज लाख सी तो एक परसेंट ब्याज पर मंथ है ना तो एक महीना का फैक्टर क्या बनेगा मतलब आज जो पापा से दस लाख ले रहा है अगर एक महीना बाद पैसा चुकाएगा तो कितना चुकाएगा दस लाख दस हजार सिंपल सा कैलकुलेशन नहीं समझ पा रहे क्या दस लाख का एक परसेंट कितना होता है दस हजार होता है ना तो कितना हो गया दस लाख दस हजार हुआ ना तो दस लाख इंटू वन पॉइंट जीरो वन ये एक महीने का हुआ तो दो साल के लिए है ना मान लेते बीच में कोई ब्याज बट्टा नहीं जाएगा बीच में कोई भी ब्याज बट्टन नहीं जाएगा एक बार में दो साल बाद पैसा आएगा तो कितना पैसा आना चाहिए कितना पैसा आना चाहिए पावर ट्वेंटी फोर करके बताओ कितना पैसा मिलेगा पापा को जल्दी करके बताओ कितना पैसा मिलेगा वन पॉइंट जीरो वन टू दावर ट्वेंटी फोर हां ऐसे नहीं ट्वेल्व टी नाइन सेवन थ्री फोर तुम चीज समझ रहे ना कैसे कर रहे हैं तो प्रेजेंट वैल्यू क्या है दस लाख अक्यूमुलेटिव क्या है तो हमेशा से जरूरी नहीं है ना कि साल का ही कैलकुलेशन होगा तुम बैंक में गया बोला ब्याज भट्टा का क्या सिस्टम है बोला हर क्वार्टर ब्याज लगेगा दो परसेंट का हर क्वार्टर ब्याज लगेगा दो परसेंट का ठीक है तुम बोला हमको पांच साल के लिए पैसा चाहिए तो समझो तुम बैंक में गया बोला दो परसेंट का ब्याज लगेगा हर क्वार्टर ठीक है तुमको घर के लिए पैसा चाहिए तुम पचास लाख उठाया है पचास लाख उठाया है पचास लाख उठाया है ठीक है तुम बोला हम जो मूल पैसा है जो मूल पैसा है वो हम पांच साल के बाद में देंगे ठीक है पांच साल के बाद में देंगे तो टाइमलाइन बना लेते हैं तुम बोला जो मूल पैसा है वो हम पांच साल के बाद में देंगे तो पांच साल में कितना क्वार्टर होता है एक साल में कितना क्वार्टर होता है एक साल में चार तो पांच साल में कितना क्वार्टर होगा बीस क्वार्टर होगा ना तो ये हो गया जीरो और ये हो गया ट्वेंटी ठीक है तुम बोला हम इंटरेस्ट पेमेंट रेगुलर करते रहेंगे हम इंटरेस्ट पेमेंट रेगुलर करते रहेंगे तो हर क्वार्टर के एंड पे माने जब पहला क्वार्टर खत्म होगा तो तुम बैंक को कितना रुपए देगा बताओ कुछ नहीं करना है पचास लाख का दो परसेंट करना है पचास लाख का एक परसेंट कितना होता है पचास हजार तो दो परसेंट कितना होता है लाख रुपया तो तुम बैंक को क्या करेगा हर तीन महीने के बाद में कितना देगा एक लाख रुपया देगा ना मेरा भाई हर तीन महीना में तुम बैंक को कितना रुपए देगा एक लाख रुपए देगा बैंक को एक लाख रुपया कितना बार मिलेगा बैंक को एक लाख रुपए कितना बार मिलेगा बीस बार मिलेगा तो स्ट्रक्चर क्या हो गया स्ट्रक्चर क्या होता है स्ट्रक्चर होता है कैश फ्लो का पैटर्न तुम आज बैंक से पचास लिया तुम बैंक को हर तीन महीना बाद कितना दे रहे? एक लाख और तुम बैंक को बीस क्वार्टर बाद कितना रुपया चुकाएगा पचास लाख और लाख रुपया उसका ठीक है ना तो ये बेसिक अक्यूमुलेशन फैक्टर वाला चीज समझो ठीक है तो ये सब तो ठीक है बेसिकली एरो टू एन इसका मतलब है अक्यूमुलेशन फैक्टर फ्रॉम टाइम जीरो टू टाइम एन इसका मतलब समझ लेना अक्यूमुलेशन फैक्टर फ्रॉम टाइम जीरो टू टाइम एन ठीक है इसका मतलब क्या है इसका हिंदी में लिखो मैंने हाउ लिखो हाउ मैनी टाइम्स हाउ मैनी टाइम्स माई फंड हैज ग्रोन हाउ मैनी टाइम्स माई फंड हैज ग्रोन मतलब मेरा पैसा जो है वो कितना गुना हो गया हाउ मैनी टाइम्स माई फंड हैज ग्रोन मेरा पैसा कितना गुना हो गया ठीक है सो बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू इंटू अक्यूमुलेशन फैक्टर इज अक्यूमुलेटेड वैल्यू प्रेजेंट वैल्यू इंटू अक्यूमुलेशन फैक्टर इज अक्यूमुलेटेड वैल्यू ठीक है सबको क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूं येस और नो सबको क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूं अब ध्यान दीजिएगा इस पे ये वाला हो गया ठीक है अब हम लोग आते हैं डिस्काउंटिंग में देखो ये जो है ना ये एक बॉन्ड है बॉन्ड क्या होता है ध्यान से सुनो बॉन्ड क्या होता है ध्यान से सुनो यहां पर मैं हूं ठीक है ये मैं हूं ठीक है मैं क्या कर रहा हूं पैसा दे रहा हूं मैं पैसा दिया मुकेश को

मैंने कितना रुपया रिसीव किया है एक करोड़ रुपया मैंने रिलायंस इंडस्ट्रीज कितना रुपया रिसीव किया है दस साल के बाद में ये मेरा बॉन्ड है मेरे नाम पे दस साल के बाद में कंपनी कंपनी मेरे को करोड़ देगा 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 और सालाना ब्याज ब्याज कितना लाख लाख का देगा. ये सब कैलकुलेशन थोड़ा फास्ट होना चाहिए एक करोड़ का आठ परसेंट कितना होता है आठ लाख ठीक है ना तो कंपनी सालाना ब्याज कितना देगा आठ लाख साल के स्टार्ट में देगा ना एंड में ऑब्वियस बात है एंड में देगा साल खत्म होने पर देगा राइट कितना बार देगा ब्याज दस बार देगा ठीक है समझ में आ रहा तो है <coughs> तुम लोग कभी कोई कूपन देखा होगा जैसे कूपन टाइप का देता है अगली बार अगर, अगर आप हमारे शॉप पे आएंगे कूपन लेके आएंगे तो पांच दस पंद्रह परसेंट का डिस्काउंट ठीक है तो बेसिकली क्या होता था पहले ना पहले इतना ई वगैरह नहीं होता था तो इसमें ऐसे दस टू कूपन लगा होता था अब उसका काम क्या है तुम ये वाला कूपन को फाड़ो कंपनी को दो तो कंपनी तुमको पैसा देगा फिर एक साल और बीत गया तुम ये वाला कुपन को फाड़ के को दो, तो, तो स्ट्रक्चर तो कैसा बनेगा इसका ये पूरा इसका स्ट्रक्चर बनेगा ये जीरो टू ये, ये, ये थ्री डॉट 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 ये टेन ठीक है ना यहां पर क्या हो रहा है मैं कंपनी को पैसा दे रहा हूं एक सौ लाख एक सौ लाख का पैसा दे रहा हूं कंपनी मेरे को आठ लाख देगा राइट यस और नो टाइम वन पे आठ देगा ऐसे करके डॉट 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 पर क्या होगा कंपनी मेरे को सौ लाख तो वापस देगा ही और आठ परसेंट जो है वो भी देगा यस और नो ये कंपनी ये फ्लो का स्ट्रक्चर हो गया पूरा इसको बोलते हैं कूपन पेइंग बॉन्ड कूपन मतलब होता है रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट इसको कॉपी करिए कूपन का मतलब क्या होता है कूपन का मतलब होता है रेगुलर रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट इसको कूपन बोलते हैं रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट को अपन कूपन बोलते हैं ठीक है ना रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट को अपने कूपन बोलते हैं ठीक है रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट को अपने कूपन बोलते हैं अब एक चीज समझना ये कॉपी हो गया सबका ये वाला कॉपी हो गया सबका अब एक चीज समझना अब एक ऐसा स्ट्रक्चर समझो जहां पर क्या हो रहा है आज मैं कंपनी को दे रहा हूं सत्तर लाख रुपया ठीक है आज मैं कंपनी को दे रहा हूं सत्तर लाख रुपया सत्तर लाख में कितना जीरो हो होगा ठीक है आज और पांच साल के बाद में कंपनी मेरे को एक करोड़ दे रहा है एक सौ लाख दे रहा है ठीक है वन मिलियन इज टेन लैक्स वन मिलियन इज टेन लैक्स तो एक करोड़ दे रहा मतलब कितना मिलियन दे रहा है टेन मिलियन टेन मिलियन ठीक है Ten Ten million, तो ये क्या हो रहा है इसमें रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है इसमें रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है बताओ जल्दी बताओ इसमें रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं हो रहा है एक बार में ब्याज का पेमेंट हो रहा है कितना तीस लाख इसको बोलते हैं जीरो कूपन बॉन्ड क्योंकि इसमें रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट नहीं है इसमें नंबर ऑफ कूपन इज हाउ मच जीरो बट इंटरेस्ट पेमेंट तो होगा इसको बोलते हैं डीप डिस्काउंट बॉन्ड इसमें क्या होता है जिसके पास में वो सर्टिफिकेट होता है ना उसमें लिखा रहता है जो मेरे को ये सर्टिफिकेट देगा ठीक आज से ठीक पांच साल के बाद में मैं उसको एक करोड़ रुपए दूंगा लेकिन आज ये सर्टिफिकेट मैं मार्केट में कितना में इशू कर रहा हूं सत्तर लाख में तुम चीज समझा मैंने आज हम कंपनी से वो सर्टिफिकेट बाय कर रहे हैं जीरो कूपन बॉन्ड का जो सर्टिफिकेट है कितना में बाय कर रहे हैं कितना में बाय कर रहे हैं सत्तर लाख में बाय कर रहे हैं लेकिन क्या होगा पांच साल बाद जिसके पास में वो सर्टिफिकेट होगा उसको कितना मिलेगा एक करोड़ मतलब तीस लाख एक्स्ट्रा मतलब ब्याज एक बार में पेमेंट हो रहा है ऐसा क्यों होता है क्योंकि हो सकता है अब जैसे मान लो हम लोग एक्सपैंड कर रहे हैं हम लोग दो सेंटर और खोलेंगे आने वाला छह महीना में, में एक खोलेंगे बॉम्बे में और एक खोलेंगे बेंगलुरु में ठीक है तो बेसिकली मेरे को लगता है कि मेरे को लोन का दरकार है एक सेंटर खोलने का एवरेज में जो कॉस्टिंग आता है हमारा चालीस लाख रुपया ठीक है सेंटर के रेंट वगैरह डिपॉजिट बनाना फिर वहां घर वर लेना ठीक है तो बेसिकली चालीस लाख का इन्वेस्टमेंट है दो सेंटर खोलूंगा तो कितना हो जाएगा अस्सी लाख मैं बैंक से लोन लेना चाहता हूँ बट मैं बैंक को बोला बैंक जी बैंक जी बोला बोलिए बोला मेरा तो ऑलरेडी इतना सारा खर्चा है मेरे को अभी और रेगुलर पेमेंट नहीं करना है ब्याज का आज आज मेरे को अस्सी लाख रुपए दे दो हमको दो साल का टाइम पीरियड दे दो सेंटर सेटअप करेंगे दो साल मतलब कितना हो गया चार पांच अटेम्प्ट हो गया कैश फ्लो मैच हो जाएगा मैं दो साल के बाद में एक करोड़ रुपए दे दूंगा तो एक बार में बैंक को कितना पेमेंट हो रहा है बीस लाख रुपए ब्याज का हो रहा है ऐसा कंपनी करता है ठीक है समझ रहे ना कंपनी का कंपनी का स्ट्रक्चरिंग है मैं बोला मैं पहले दो साल ब्याज नहीं दे सकता भाई मेरा मेरा नहीं है आप मेरा फाइनेंशियल चेक कर लो आप मेरा एसेट चेक कर लो क्या दिक्कत है समझा ना तो बेसिकली ऐसा होता है जब कंपनी को रेगुलर कूपन पेमेंट नहीं करना होता कंपनी है इशू ठीक और भी और भी है, है का। is ना सो so, अब देखो ऐसा क्या तुम लोग अपना सिलेबस जो है वो तुम लोग मार्च में भी खत्म कर सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है बट द पॉइंट इज वाई डू यू वॉन्ट टू टेक इट टू द एंड तुम जब दिसंबर तक आराम से कर सकते हो फिर तुम रिवाइज करो आराम से तो कुछ भी हो सकता है कोई मेडिकल इमरजेंसी कुछ भी वगैरह होगा तो प्रॉब्लम नहीं होगा तुम बेसिकली बोलने का तो वो है ठीके? तो सर्टिफिकेट है सर्टिफिकेट में तो ये लिखा रहेगा ना दिस इज द फेस वैल्यू जो सर्टिफिकेट पे लिखा है उसको बोलते हैं फेस वैल्यू ठीक है नॉमिनल वैल्यू आज जो सौ रुपए का जो नोट है मेरे पास है नहीं पैसा पैसा है किसी के तो पैसा लाया है? नहीं छोड़ो मजाक कर ठीक है ए क्लास में एक्ल के लिए पांच सौ रुपए दिया ही नहीं वो ठीक है तो तो बोलना पड़ा कि तो दूसरा क्लास भी में काम लेना है ठीक है तो बेसिकली क्या है पैसा जो है जो सौ रुपए का जो नोट है वो सौ रुपए का नोट का वैल्यू इज नॉट हंड्रेड इंट्रेंसिक वैल्यू जो है उसका नॉमिनल फेस वैल्यू इज हंड्रेड तुम चीज समझो ठीक है फेस वैल्यू जो है ठीक है फेस वैल्यू जो है उसका हंड्रेड लिखा हुआ है But actual में अगर मैं इसको बेचने अ कॉटन का होता है वो जो भी होता है it's not actually paper. वो फटता फटता नहीं नहीं देखो कभी भी इतना फोल्ड करके उसको है, फटता नहीं है. It's some special kind of paper. तो उसका वैल्यू उतना तो नहीं है ना चीज समझो अभी देखो अभी का काइंस हल्का आता है छोटा आता है पतला आता है पहले भारी मोटा कॉइन्स आता था वो क्या होता था उसका जो इंट्रेंसिक वैल्यू दैट वाज मोर देन द फेस वैल्यू मतलब तुम अगर उसको स्मेल्ट करेगा और उससे अगर ब्लेड बनाएगा ब्लेड समझता है ना ब्लेड उसको स्मेल्ट करके ब्लेड बनाएगा तो ज्यादा कमाएगा आएगा दो रुपए का सिक्का को स्मेल्ट करके ब्लेड बनाएगा दो तो रुपए का वैल्यू पांच रुपया हो जा रहा था इसीलिए गवर्नमेंट देखा मार्केट से सारा कॉइन गायब हो रहा है इसीलिए क्या किया हल्का कॉइन लेके ले दो रुपए का कॉइन का फेस वैल्यू कितना है दो रुपया उससे लॉलीपॉप खरीदेगा तो दो रुपए का खरीदेगा उसको स्मेल्ट करो ब्लेड बनाओ तो चार रुपया वैल्यू का ब्लेड बनेगा तो सौ कॉइन में अगर ये चीज किया तो कितना का प्रॉफिट बना दो सौ का प्रॉफिट बना ना ये कर रहा था लोग इसलिए मार्केट से सारा कॉइन गायब होता जा रहा था तो इंट्रेंसिक वैल्यू क्या है उसका एक्चुअल में वैल्यू कितना है फेस वैल्यू मतलब ऊपर कितना लिखा हुआ है दैट इज द फेस वैल्यू ठीक है तो बेसिकली ये चीज है अब जैसे क्या हो रहा है दो चीज होता है एक होता है सिंपल डिस्काउंट सिंपल वर्ड के संग में क्या आएगा जल्दी बताइए कौन बताएगा कौन कौन ध्यान दे रहा था कमर्शियल ठीक है ना तो यहां पर क्या होगा प्रेजेंट वैल्यू इज अक्यूमुलेटेड वैल्यू एक बार अक्यूमुलेटेड वैल्यू ज्यादा होगा ना प्रेजेंट वैल्यू वैल्यू ऑब्वियसली तो जब हम लोग कंपाउंड कर रहे थे तो कुछ प्लस वाला फील आ रहा था पीवी प्लस समथिंग यहां पर हम लोग टाइम रहे हैं तो माइनस का कुछ आएगा राइट तो दिस इज एवी वन माइनस एनडी एवी वन माइनस एनडी इज इट ओके यस और नो जल्दी बताइए हां अरे जल्दी बोलो यस अब यहां पर डी क्या है मेरा डी इज डिस्काउंट का रेट एन इज नंबर ऑफ इयर्स ठीक है यही अगर मैं कंपाउंड डिस्काउंट का बात करूंगा तो यहां पर इसके संग में क्या आएगा जल्दी बोलो ठीक है ना इसमें क्या आएगा प्रेजेंट वैल्यू इज अक्यूमुलेटेड वैल्यू, वैल्यू वन माइनस डी टू दी पावर एन ऑनलाइन में सबको यहां तक क्लियर है यस और नो फटाफट पड़ से बताइए CM1 का जो टाइम है वो मोटा मोटी साढ़े दस से दो बजे तक का है ठीक है ना अभी नेक्स्ट वीक तो तुम लोग को पूरा ही आना है सीएस वन का चलेगा फिर सीएस वन का जब मैं बेसिक्स करा दूंगा दो तीन क्लास में और फिर एक दिन पेपर बी का क्लास चालू करा दूंगा फिर तुम को बेसिक सेल्फ पे करना है रिकॉर्डेड देख के उसमें जो डाउट्स होगा वो फिर हम लोग कराएंगे ठीक है प्रेजेंट वैल्यू इज अक्यूमुलेटेड वैल्यू वन माइनस डी टू दी पावर एन यहां तक सबको ठीक है ये और yes नो no? ठीक है ओके okay? अब एक सम करेंगे अक्यूमुलेटिव वैल्यू दिया हुआ है एक लाख ठीक है एन दिया हुआ है टेन इयर्स, ठीक है सिंपल डिस्काउंट दिया हुआ तीन परसेंट पर एनम, कंपाउंड डिस्काउंट दिया हुआ फोर परसेंट पर एनम, ठीक है आपको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले आपने सिंपल डिस्काउंट के लिए करते हैं तो उस केस में क्या आएगा वन लाख, वन माइनस टेन इंटू पॉइंट जीरो थ्री और कंपाउंड डिस्काउंट में जब अपने करेंगे तो आएगा वन लैख वन माइनस जीरो पॉइंट जीरो फोर टू दी पावर क्या आएगा टेन ठीक है ना बोलो कितना कितना आ रहा है ये कितना आ रहा है और ये कितना आ रहा है सिक्सटी सिक्स फोर यहां पर क्या बनता है अक्यूमुलेटेड वैल्यू इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर इज प्रेजेंट वैल्यू यहां पर जो नोटेशन बनता है वो बनता है वी जीरो टू एन इसको बोलते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर from time n to time 0. ठीक है ठीक है ये है ना ना सिक्स सिक्स फोर एट थ्री अब एक चीज देखो ठीक है हमने दो चीज देखा प्रेजेंट वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो अक्यूमुलेटेड वैल्यू आएगा एंड अक्यूमुलेटेड वैल्यू को किससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू आएगा ठीक है अब इसको देखो प्रेजेंट वैल्यू इज वॉट अक्यूमुलेटेड वैल्यू बाय अक्यूमुलेन फैक्टर दोनों में पीवी पीवी को इक्वेट कर दो तो क्या आएगा अक्यूमुलेटेड वैल्यू इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर फैक्टर इज वैल्यू बाय कट तो क्या बन रहा है इज बाय माने डिस्काउंटिंग फैक्टर इज वन बाय अक्यूमुलेशन फैक्टर और यही हमने सीखा है ब्याज का रेट अगर दस परसेंट का है तो आगे लेके जाने का फैक्टर क्या बनता है 1 .1? पीछे लेके जाने का फैक्टर क्या बनता है वन बाय वन पॉइंट वन बोलो ना हा कैलकुलेटर इससे नहीं होगा Who gave you this to use it? Did you tell her to you will buy a new? No, you need to get this one, okay? This one. You will not be able to get it by tomorrow. You take it from us, you pay us. एंड टूडे ऑल ऑफ यू विल वॉच कैलकुलेटर वीडियो कल के क्लास से एकदम पूरा प्योर कैलकुलेटर का यूज होगा ठीक है तो आज घर पे जाना है डैशबोर्ड पे जाना है डैशबोर्ड पर जाके कैलकुलेटर का वीडियो पे क्लिक करना है वो पूरा सब कंप्लीट करके आएगा और उसका पूरा नोट कॉपी में बना के आएगा ठीक है ये बोला ठीक है हा अब इसके बाद हेडिंग लगाना प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी ठीक है ध्यान दीजिएगा ये जीरो है ये वन है ये टू है ये थ्री है ये फोर है और ये फाइव है मैंने बोला फैक्टर है द, मैंने मैंने बोला इंटरेस्ट रेट है दस परसेंट का ठीक है तो यहां से यहां मल्टीप्लाई यहां से यहां अगर पैसे को लेके जाएंगे यहां से यहां लेके जाएंगे यहां से यहां यहां से यहां और यहां से यहां तो मेरा फैक्टर क्या बन रहा है 1.1, राइट right? अब तुम लोग को को मेरे को बताना है ए जीरो टू फाइव ए जीरो टू फाइव का मतलब क्या होता है अक्यूमुलेशन फैक्टर फ्रॉम टाइम जीरो क्या बनेगा बताओ वन पॉइंट वन टू दर फाइव तुम लोग को को बताना है ए जीरो टू टू वन पॉइंट वन का स्क्वायर फिर तुमको बताना है ए टू टू फाइव वन पॉइंट वन का क्यूब यही बनता है ना इसका मतलब क्या है मैं क्या लिख सकता हूं ए जीरो टू फाइव इज वॉट एंटू ए टू टू फाइव अज्यूमिंग कंपाउंड इंटरेस्ट है ठीक है ना तो अक्यूमुलेशन फैक्टर्स इन बिटवीन कैन बी मल्टीप्लाइड दिस इज प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी अब जैसे मान लो मेरे को यहां पर ये पता है ये पता है तो ये निकल जाएगा ये दोनों पता है तो ये निकल जाएगा बैलेंसिंग फिगर की तरह ठीक है तो प्रिंसिपल ऑफ कंसिस्टेंसी क्या बोलता है

डन हाँ, ऐ रफ कॉपी नहीं चलेगा तो थोड़ा बड़ा कॉपी बना लो दीदी सब लोग पूरा प्रॉपर क्लास कॉपी अलग और होमवर्क कॉपी अलग ठीक है और वो फेयर करने वाला कोई सिस्टम नहीं होना चाहिए यही फेयर होगा जो होगा जगह छोड़ देना कोई दिक्कत नहीं मैं टाइम दूंगा धीरे धीरे और फिर घर पे इसका पूरा आ जाएगा उसमें जो नोट्स बनाना बना लेना अब देखो इधर ठीक है यहां पर ध्यान दो देखो ये क्या है डिस्काउंटिंग फैक्टर है अक्यूमुलेटेड वैल्यू को डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रेजेंट वैल्यू आएगा ये क्या है डिस्काउंटिंग फैक्टर है सिमिलरली Similarly, similarly, ये sorry, ये क्या है ठीक है ये वाला क्या है समझा अब एक समरी हम लोग बनाएंगे देखो सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल डिस्काउंट कंपाउंड डिस्काउंट चार चीजें यहाँ हम लोग बनाएंगे अक्यूमुलेशन फैक्टर और यहाँ हम लोग बनाएंगे डिस्काउंटिंग फैक्टर ठीक है सिंपल इंटरेस्ट के केस में अक्यूमुलेशन फैक्टर क्या है पावर एन सिंपल डिस्काउंट के केस में डिस्काउंटिंग फैक्टर है वन माइनस एनडी और यहाँ है वन माइनस डी टू दावर एन अब ब्लैक में ध्यान देना अक्यूमुलेशन फैक्टर जो है वो क्या है वन बाय डिस्काउंटिंग फैक्टर एंड डिस्काउंटिंग फैक्टर जो है वो क्या है वन बाय अक्यूमुलेशन फैक्टर तो यहां पर क्या आ जाएगा वन प्लस एन आई टू दी पावर माइनस वन यहां आ जाएगा वन प्लस आई टू दावर माइनस एन यहां आ जाएगा वन माइनस एन डी टू दि पावर माइनस वन और यहां आ जाएगा वन माइनस डी टू दावर माइनस एन इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू ये और नो ठीक है कोई बात नहीं पानी का बोतल तो उठाते तो गिर गया पीछे।, पीछे 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 बेंच में बस यहां तक सबको समझ में आया अब हम लोग इस पर एक सम करेंगे और करेंगे आज के क्लास को एंड ठीक है ध्यान देना ये वाला हुआ सबका हाँ कॉपी हो गया अब एक सम देखो तुमको अक्यूमुलेटेड वैल्यू दिया हुआ है फाइव थाउजेंड तुमको प्रेजेंट वैल्यू निकालना है ये दिया हुआ है तुमको एट टाइम एट तुमको ये निकालना है टाइम जीरो पे तुमको सिंपल इंटरेस्ट दे दिया है तीन परसेंट का उंड कंपाउंड इंटरेस्ट दे दिया है चार परसेंट सब पर एनम है कंपाउंड डिस्काउंट दे दिया है पांच परसेंट का और सिंपल डिस्काउंट दे दिया है छह परसेंट का ठीक है तो कैसे करेंगे ध्यान देना अक्यूमुलेटिव वैल्यू दिया हुआ है ना प्रेजेंट वैल्यू निकालना है तो अपने पहले करेंगे फाइव थाउजेंड इंटू वन प्लस एट टू जीरो पॉइंट जीरो थ्री टू दी माइनस वन फिर अपने करेंगे फाइव थाउजेंड इंटू वन पॉइंट जीरो फोर वन पॉइंट जीरो फोर टू दावर माइनस एट फिर अपने करेंगे कंपाउंड डिस्काउंट दिया हुआ फाइव थाउजेंड वन माइनस जीरो पॉइंट जीरो फाइव टू एट फिर अपने करेंगे फाइव थाउजेंड वन माइनस जीरो पॉइंट जीरो सिक्स इंटू एट किसी को कोई भी दिक्कत है तो बोलो और सारा का कैलकुलेशन करो चार आंसर आएंगे कितना कितना आएंगे बताओ लाल में ध्यान देना पहला बोलो फोर जीरो थ्री टू पॉइंट फिर जितना भी सारा आंसर होगा पांच से छह डेसिमल्स में लिखेगा फाइव टू सिक्स डेसिमल्स में लिखना है सारा आंसर्स को हाँ कितना आ रहा है बताओ अभी गलती होगा गलती करो जितना गलती करना है क्लास में ही कर लो प्रेजेंट वैल्यू कभी भी पांच हजार से ज्यादा नहीं होगा हाँ बोलो थ्री सिक्स फाइव थ्री फिर थ्री थ्री वन सेवन फिर हाँ टू सिक्स डबल ज़ीरो एस डी वाला बटन दबाओ एस डी बोल के बटन होगा देखो हाँ सबका आया यहां तक हाँ यस और नो ठीक है तो ये बेसिकली हमारा एक पूरा था आज का टाइम वैल्यू ऑफ मनी का एक बेसिक लेक्चर ठीक है एक सिंपल है सबका आंसर आने दो भाई सुन, सुनो सुनो आज हम तुमको पकड़ लिए क्लास में आएगा प्रॉपर वे में आएगा कॉपी कौप, एकदम पूरा क्लास कॉपी लेके आएगा ठीक है और कैलकुलेटर पेन वेन, सब पूरा प्रॉपर लेके आएगा आज का क्लास बेसिक था मैं कुछ नहीं बोला नहीं है जाके लो इसलिए हम लोग मंगा के रखते हैं एकदम प्राइस पूरा सेम है तो कल से क्लास में आएगा आएगा तो पूरा प्रॉपर वे में आएगा। और क्लास कॉपी पूरा मेंटेन करेगा इस तरीके से नहीं होगा कोई कोई कॉपी में कर रहा है कोई छोटा बड़ा कॉपी नहीं चलेगा एक लंबा प्रॉपर दिस शुड बी द कॉपी साइज हम बता दे रहे दो ये बात कॉपी दो ये ये वाला कॉपी या फिर इससे बड़ा वाला कॉपी दो ऐसे टाइप का कॉपी में पूरा प्रॉपर नोट्स बनना चाहिए छोटा बड़ा डायरी कुछ नहीं चलेगा थोड़ा इन्वेस्ट करो कोई दिक्कत नहीं है चार कॉपी ना भरेगा सौ रुपए का ये एक सौ पंद्रह रुपए का है दस परसेंट डिस्काउंट देगा तो सौ चार सौ रुपए इन्वेस्ट करो वो नोट्स तुमको आगे इंटरव्यू के टाइम पे सब जगह पे काम आएगा ठीक है आप ध्यान देना एक बार बहुत लोग स्केड्यूल पूछ रहे हैं सुबह साढ़े दस बजे जो है वो सी एस वन का क्लास है जो तुम लोग को रैंडम वेरिएबल का टॉपिक तक करना है अभी जैसे आज मैंने बेसिक कराया ना तो रैंडम वेरिएबल में को चार से पांच क्लास लग जाएंगे ठीक है अभी तुम लोग का फिफ्थ अक्टूबर तक लगातार क्लास है ठीक है ध्यान देना तो फिफ्थ अक्टूबर तक का स्केड्यूल में क्या है देखो रैंडम वेरिएबल जब खत्म होगा तो एक या फिर दो क्लास एक्सेल का मैं फिजिकल करा दूंगा ऑनलाइन में भी करा दूंगा तो तुम लोग का एक्सेल बेसिक चालू हो जाएगा फिर तुम लोगों को घर से करना है जो डाउट्स होगा वो हम लोग कराएंगे अब यहां पर जो क्लास चालू हो रहा है ट्वेल्व थर्टी पीएम से ठीक है इसमें जैसे आज कितना तारीख है आज है ट्वेंटी आज हमने किया टाइम वैल्यू ऑफ मनी कल है थर्टी कल हम लोग करेंगे इंटरेस्ट रेट्स फिर एक तारीख को हम लोग करेंगे फोर्स ऑफ इंटरेस्ट दो तारीख को हम लोग करेंगे पेमेंट स्ट्रीम तीन तारीख को हम लोग करेंगे लेवल एनविटी ठीक है चार तारीख को हम लोग करेंगे इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग एनविटी एंड पांच तारीख को हम लोग करेंगे सम्स इसमें से एक भी क्लास मिस मत करना ठीक है सम्स के बाद का बाद में बताऊंगा अभी पहले यहां तक का सोचो लाइफ में आगे तक का बहुत नहीं सोचना चाहिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के बाद में यहां पर होगा इक्वेशन ऑफ वैल्यू एंड सम्स ठीक है तो यहाँ तक का पहले सब लोग क्लास अटेंड करेगा पूरा हाँ अभी नहीं लाना है ठीक है कल साढ़े दस बजे आ जाना जाओ बाय हाँ ये सब हो चुका है एक मिनट